वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज पूरा घर खाली हो गया क्योंकि आज अंशु भी स्कूल गया, ऋषि भी स्कूल गया, तो दोनों चला गया है। और हम जा रहे थे नाश्ता, उन लोगों के लिए बना दिए, अब अपने लिए जा रहे थे नाश्ता बनाने। तो नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाने से पहले कबूतर लोगों का खाना। तो अभी लाइट कट गया, अंधेरा हो गया, बैठा है बहुत कबूतर लोग। तो आ रहा है, तो चलिए लोग खाने देते हैं, हम जाते हैं अपना नाश्ता बनाने। फ्रेश हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अंशु का स्कूल। तो अंशु का स्कूल से कॉल आया था, तो अभी पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, तो अभी हम जा रहे हैं। हम लोग तो गाड़ी अभी नया ही था, ऐसे अंशु ना कर दिया। तो ये रहा अंशु का स्कूल, ना बड़ा स्कूल। अंशु लोग का जहाँ पूछना बड़ा ही स्कूल रहता है, नहीं अभी नया बन रहा, बना अभी नया बन भी रहा अभी। कल गए हम लोग, अंशु का एडमिशन कल होगा शायद, कल अंशु को लेके आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग स्कूल से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, अंदर में मिले सबसे अच्छा है स्कूल। और अंशु का पहले एडमिशन होगा, उसके बाद फिर ऋषु का भी एडमिशन यहीं पे हम लोग करवा देंगे, हम लोग सोच रहे हैं, आज ही बात कर लेंगे। हाँ तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, और ये स्कूल अंशु का उस स्कूल से बहुत दूर हो जाएगा अगर यहाँ पर एडमिशन हो गया अंशु का, तो है ना। हेलो, ये क्या बन रहा है, ब्रिज की रोड, ये रोड है इतना बड़ा, ओ पर बहुत दूर हो जाएगा ऋषि अंशु कैला स्कूल बोला स्कूल से, जेवियर से बहुत दूर हो जाएगा ये स्कूल। घर आ गए, पर वैसे लाइट नहीं है घर पे, सुबह भी नहीं था अभी भी नहीं है, और बहुत लाइट कटता। इधर अच्छा रोशनी है, उधर आ रहे हैं। अंशु का स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर भी है। तो अंशु कल डिसाइड करेगा कि उसको क्या लेना है, किस सेशन में जाना है। तो अंशु कल जाकर अपना एडमिशन ले लेगा, मजा आ गया। अंशु का स्कूल जा, कितना बड़ा स्कूल है अंशु का, उसका कैंटीन का एरिया कितना बड़ा है। चलिए अब अंशु कल आके अपना एडमिशन ले लेगा, कल जाके, आज तो अंशु स्कूल गया तो कल जाएगा इस स्कूल में एडमिशन लेने। घर आते हैं, अंशु का वेट करते हैं, अंशु भी आएगा। घर पे आ गया है, हम तुम्हारे स्कूल गए थे आज, ना स्कूल मतलब एजीपी नया स्कूल, इतना बड़ा स्कूल है ना, उसका ऑफिस इतना बड़ा है ना, ऑफिस ना क्लास थोड़ी ना, क्लास तो नहीं, बहुत बड़ा स्कूल है। तो अभी कल अंशु जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा, जब बात करेगा तो चलो। और कल अंशु का फेयरवेल भी है स्कूल में, तो अपने स्कूल को लास्ट बार बाय बाय करना, टाटा बाय बाय। अरे बोर्ड्स देने जाएंगे ना। अच्छा हाँ, अंशु का बोर्ड्स भी उसी स्कूल में होता है। अंशु का प्री बोर्ड्स, अब प्री बोर्ड्स हो गया, और कल अंशु का फेयरवेल है, फिर उसी स्कूल में एग्जाम भी देगा अंशु। चलो खाना खाते हैं, झारखंड बोर्ड के हिसाब से पास पास हुआ, इधर आई मम्मी। वेलकम बैक। तो अभी हम अभी से लेके रात तक फोन मेरे पास रहेगा, हम लोग घर में एक फोन है और तीन तीन कोई चलाते हैं, हम अंशु ऋषु, एक फोन तीन तीन लोग चलाते हैं। इस ऋषु चलाता है, यूज करता है, हम छत पे जा रहे, चलो जाएगा तो कोई कपड़ा हम लेने आए हैं। ये ला कितना अच्छा हो रहा है ना, फूल सब सूख गया है, पानी कोई डालता नहीं है, तो इतना सुंदर प्लांट था, कोई पानी नहीं डालता, सब सूख गया है। तो ये फ्लावर हम लोग हर साल विंटर में अपने घर पे लगाते हैं, ये फ्लावर, ये सारा सारा
इसमें एक दो नया नया है, न्यू न्यू कलर है, जैसे ये पहली बार लगाए हैं, ये पहली बार लगाए हैं और ये पहली बार, ये तो था ही पिछले बार, ये भी था पिछले बार, ये नया है और ये इस बार नया कलर है, न्यू न्यू कलर का फ्लावर लगाते हैं। और ये ऑरेंज जो कोई खाता नहीं है, इतना सारा हुआ पर कोई खाता नहीं, पता क्यों पता नहीं, बहुत खट्टा है। इधर और हो रहा है क्या? और हो ही रहा है। ये कैंडूला को पापा काट दिए हैं, ये बड़ा होगा। इतना सारा ऑरेंज, धनिया पत्ता अच्छा हो गया नहीं? नहीं क्यों काटेंगे, सिर्फ तोड़ तोड़ के बनाते हैं ना। देखिए ट्रेन जा रहा है, हम जब छत पे आते तब दो तीन ट्रेन तो पार होते ही है, पार हो गया। हम ड्रेस अपना कपड़ा उठा लिए और हम जा रहे हैं अब नीचे। आ गए हैं शाम का खाना बनाने, तो आज अंशुलों का डिमांड पे बना रहे हैं नान, अभी आटा मिला के रखे हैं अच्छे से। मम्मी ठीक क्या है, अंशुलों बोला कि मम्मी एक दिन बनाए थे तो एक दिन और बनाइए, तो उस दिन तो थोड़ा मतलब कम हो गया था ना, तो आज थोड़ा ज़्यादा करके बनाया सिर्फ अंशुल रेशु के लिए, क्योंकि कल का दही थोड़ा सा बच गया था, अभी अंशुल रेशु के लिए नान बनाएंगे और सब्जी, सब्जी तो सुबह का बना हुआ है, सब्जी है आलू फूल गोभी का सब्जी और ना। चलिए कल ऋषि का वेट कर रहे हैं, अंशु तो घर पे ही है, ऋषि आ जाएगा तो बनाएंगे। अंशु बेटा बाल कटवा के कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हो। तो कल अंशु का स्कूल में फेयरवेल, कल अंशु का स्कूल से विदाई हो जाएगा, फिर हमेशा मिस करोगे अपने स्कूल को। तुम्हारा ये ला स्कूल उससे भी अच्छा है, मतलब ये भी स्कूल अच्छा है जो आज गए थे ना, अच्छा है। ओ, भाई आ जाएगा तो फिर गरम नान बनाएंगे, ठीक है? आ गए हैं हम लोग, नहीं तुम, हाँ हम आ गए हैं, अनंत भाई यहाँ पे घर में ही था, तो अभी मम्मी नान बना रही है हम लोग के लिए, तो अभी खाते हैं और ये है और बस यही खाते हैं। नहीं सब्जी भी है, हाँ सब्जी भी है, सब्जी है इसका, गोभी का भी है, मटर का भी सब्जी, देखो तो हम आ गए हैं स्कूल से, बहुत सारा सुबह का सब्जी है, तो सब उठा है तो गाइस हम लोग फिर ऐसे खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं ना हमें, ठीक है ना? हाँ, इसमें पानी लगा के ऐसे करके बहुत मेहनत करके बनाते हैं। फूल रहा है इसको ना ऐसे करके ऐसे पलट देंगे, ऐसे तो गाइस ये एकदम लगता है होटल हमारा, मम्मी घर में ना ये सब किस का मोचा है वो बच्चों ने है, अब इसमें मटर लगाएगा, मटर जल्दी लगाओ उसको, रुको ये क्या है, सुंदर नहीं बटर डाल देता और इसमें बटर, बटर बटर ले आओ अंशु, बटर दे दे अंशु का होता है बटर वाला काम, अंशु करता है। अरे ये सब गर्म रहता ना, तो उसमें घस दो ना, गलती से गिर गया ये, या तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पूरा कर डाल रहा है, हाँ ऐसे कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा फिर यूज हो जाएगा, ज़्यादा क्या यूज होगा, तो एक ही खा लिया और बना भी दिए और थोड़ा सब्जी में तुम थोड़ा गर्म कर दो, अब हम जा रहे खाना खाने और इतना सारा बर्तन जमा हुआ, तो नान बनाइए या पनीर का सब्जी कुछ एक्स्ट्रा बना सकते, किचन में गंदा भी होता है और बर्तन भी बहुत होता है, हम जाते हैं खाना खाने, फिर कल ऋषि का स्कूल है ना, तो जल्दी से उठना पड़ेगा फिर, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, वैसे उसके पापा तो लेट से आ रहे तो वो लेट से ही खाते, बट हम लोग जल्दी खाना खाते और थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को सुबह उठना होता है, हम जल्दी सो जाते हैं, अंशु इसको जगे रहता है उसके पापा आने तक, उनके पापा जब आते तभी अंशु सोता है। चलिए हम खाना खाते हैं और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।